ये दोस्तों आपका जो भी ये ब्लैंक हो रहा है, आपका डिस्टर्ब ब्लैंक हो रहा है, बार बार मॉनिटर आपका बंद हो रहा है, ये दोस्तों मात्र आपको 2 मिनट में ठीक करना है, 2 मिनट में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। चलिए आते हैं अपने डिस्प्ले पर, देखेंगे मैं कोई भी मैंने फाइल खोल, देखिए कोई मैं फाइल खोलता हूँ यहाँ पर, जितना भी मैं खोलूँगा यहाँ पर, देखिए ये बार देखिए दोस्तों, आज मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोग के लिए। ये जो जो मॉनिटर है, जो बार बार आपका ये बिलिंग होने माने बंद होने लगता है, मॉनिटर आपका सब ठीक चलता है, देखिए सारा ठीक चलेगा, लेकिन आपका मॉनिटर ये जो है बार बार बंद होने लगता है, जिससे मैं आप देखेंगे मैं कोई भी मैंने फाइल खोल, देखिए कोई मैं फाइल खोलता हूँ यहाँ पर, जितना भी मैं खोलूँगा यहाँ पर, देखिए ये बार बार बिलिंग हो रहा है ना, बार बार बंद हो रहा है। इसी का दोस्तों सोलूशन आपको इस वीडियो में पूरा दोस्तों मिलेगा, तो वीडियो को दोस्तों बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, जो भी मैं बताता हूँ दोस्तों रियल ही वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो डायरेक्ट दोस्तों आपको मुद्दा पाऊंगा, चलिए पहले दोस्तों आपको इसका लाइन डिडक्ट करने के बाद आपको पीसी को खोल लेना, तो चलिए हम लोग पीसी को खोलते हैं, उसके बारे में पूरा मैं डिटेल बताता हूँ। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक बने, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, तब तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बना रहिए। देखिए दोस्तों मैं अपना ये पीसी है, पीसी को ठीक कर लिया हूँ, तो इसको मैं ओपन कर देता हूँ, मतलब वीडियो को दोस्तों लास्ट तक बना रही है, यहाँ पर पूरा आपको डिटेल बताइए। तो वीडियो दोस्तों लास्ट बना रही है, मैं थोड़ा इसको खोल लेता हूँ। देखिए दोस्तों मैं खोल लिया इसको, अगर है तो आपको साफ कर देना, देखिए मेरे में कितना जंग उंग लगा है, जो इसमें झोल उल लगा है, तो मैं इसको झोल को साफ करता हूँ। तो आपको आउटसाइड का आवाज आएगा तो आप लोग थोड़ा ठीक कीजिएगा, उतना आएगा दोस्तों। देखिए तब मेरे में ये सब है, तो मैं इसको झाड़ लेता हूँ, तो पंखी भी ठीक है। तो आपको देखिए दोस्तों, आपको ये सब देख लेना है, जो ये इसलिए भी बिलिंग करता है, ई एल है ना, जो ई एल तार येलो वायर है, इसे भी चेक कर लेना है। आज इसका जो इसका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क वाला भी चेक कर लेना, हार्ड डिस्क में तो कहीं तो नहीं दिक्कत है ना, तो येला जो होता है आप निकाल कर इसे चेक कर लेंगे, तो इसको भी आप सफाई कर लेंगे, येला वायर को, तो इसको भी मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, चलिए लग गया। एक सारा वायर को आपको बढ़िया देख लेना, मेन ऊपर ना दोस्तों आपको रैम, जो रैम होता है रैम आपको निकाल लेना है, तो रैम में ज़्यादा प्रॉब्लम आता ही है रैम, तो मेरा रैम यही है, तो मैं इसको रैम को निकाल लेता हूँ। देखिए मेरा रैम निकल गया है, देखिए ये रैम है, इसको हम सफाई कर लेंगे, यही दोस्तों रहता है प्रॉब्लम और कुछ नहीं रहता है। और ये आपको लगा कर देख लेते हैं, और सही नहीं होता है तो उसके बाद आगे भी बताऊंगा क्या प्रॉब्लम है, तो चलिए मैं इसको साफ कर लेता हूँ, ये ला दोस्तों मैं साफ कर लेता हूँ, तो मैं इसको साफ कर लेता हूँ दोस्तों, थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। देखिए मैं इसको साफ कर लिया, साफ करने के बाद मैं इसको लगा देता हूँ, इसको जैसे ये कट है ना, कट आपको बैठा देना है, तो कट के मतलब ये जहाँ दीसर कट है उसी में बैठेगा, यह है ना, आप नॉर्मल से कर सकते, कोई कंप्यूटर जल्दी खराब नहीं होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बैठा लेंगे। कंप्यूटर के दुकान पर जाएंगे तो इसी के लिए कहेगा 100 रुपये दीजिए आपका सही किया हूँ, नहीं तो ईमानदार जो होगा तो वो पैसा नहीं लेगा, जाने का था कोई दिक्कत, नॉर्मल सा काम है, क्या पैसा लेना है, जब आवाज़ करेगा ये तभी तो आपको पता लगेगा, तो बैठ गई, देखिए देखिए मैं कर लिया सफाई, और भी इसका जो भी है भीजीए केबल, भीजीए केबल वाला ये भी आप सफाई कर सकते हैं, जो इसका भीजीए केबल जहाँ पर ये लगता है, तो मैं भीजीए केबल ही लगाता हूँ, तो जी एम आई का लगा सकते हैं दोनों से। चलिए मैं, मेरा हो गया, बस यही प्रॉब्लम था और कुछ नहीं, तब इसको ऑन करके मैं दिखा रहा हूँ कहाँ तक इसका क्या हो रहा है क्या नहीं। तो चलिए मैं अब ऑन कर रहा हूँ, पहले केबल वबल लगा दी यहाँ पर, तो मैं भीजिए केबल भी लगा देता हूँ, ऐसा दोस्तों कोई नहीं बताएगा, ठीक है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। मैं लगा लिया सब मेरा, ओके है, अब चलती है, मैं ऑन कर लेता हूँ। देखिए लाइन आ गया, इसमें वो भी आ गया,
तो चलिए मैं ऑन कर देता हूँ थोड़ा। वीडियो को दोस्तों बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसमें आपको बता पूरा आपको डिटेल में पता चल जाएगा क्या हुआ क्या नहीं। आप धैर्य बनाकर रहिएगा और उसके आगे भी बताऊंगा किस कारण से नहीं हो रहा है, तो भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। चलिए ऑन हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं खाली ओनली अपना रैम को साफ़ किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ, खाली रैम जो था रैम को मैं अब देखिए खुला भी है। तो रिलोड हो रहा है थोड़ा, तो वीडियो को मैं थोड़ा स्किप कर दूं दोस्तों, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखेंगे तो कहेंगे तो लंबा हो गया। तो चलिए चलिए स्किप भी नहीं, स्किप भी करूंगा तो आप लोगों को डाउट रहेगा। अगर जो भी आपको मन में होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। एक मार्फो से रिलेटेड मैं बनाया हूँ तो भी वीडियो बहुत आप लोग देखे हैं, अभी वीडियो ट्रेंडिंग में आता है, 1 नंबर पर अभी वीडियो मेरा आता है, 1 के 2 नंबर पर सर्च करेंगे तो आप। तो डिजिटल स्पीड है, डिजिटल स्पीड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो हर एक मैं डिटेल में वीडियो इस पर डालता हूँ। देखिए मेरा खुल गया पूरा, तो चलिए मैं कोई एक टाइप खोल देता हूँ, बिलिंग करता है कि नहीं। देखिए मैं यहाँ पर 5 मिनट देखूंगा लगभग, ज़्यादा वीडियो नहीं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा दोस्तों, देखिए मैं अपना खोल लिया ब्राउज़र, आपको जो मैं दिखाऊंगा दोस्तों लाइव दिखाऊंगा यहाँ पर, ये नहीं रहेगा तो पता नहीं क्या किया हूँ, कितना लोग को समझ में नहीं आता। वीडियो भी जो बना कर डाले हैं उनका भी कोई आपको समझ में, अभी भी वीडियो उनका कोई पता नहीं चलेगा, वो ज़्यादातर लंबा लेते हैं। इसमें देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप खाली रैम को साफ करना है, और रैम से नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों आपको समझिए कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और उसके बाद आप सोल्यूशन करवा सकते हैं। और उससे भी हो अगर नहीं नहीं ठीक हो रहा है आपका रैम करने से भी, तो आप अपना जो भी है वोल्टेज अपना चेक कर लेंगे, वोल्टेज अप डाउन करता है उसके कारण से भी होता है, और नहीं तो अपना जो भी वीजीएल केबल है वो देख लेंगे बढ़िया से लगाकर, जो भी आपका वीजीएल केबल ही है और जो भी लाइन वाला वो भी देख लेंगे, चेक कर लेंगे अब किस कारण। देखिए मेरा कुछ नहीं हो रहा, देखिए मैं 1 मिनट इसको, देखिए आप देख लीजिए कुछ नहीं हो रहा। देखिए ये खोल दिया, चलिए मैं और खोल दे रहा हूँ कुनो, ये खोल दिया, कुछ नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। देखिए कुछ नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग जोड़ी वीडियो को कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने से क्या होता है अदर लोग देखते हैं तो कमेंट क्या हुआ क्या नहीं तो उनको लगता है तो हाँ वीडियो सही है, तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जोड़ शेयर कीजिए। जो कंप्यूटर जो सीएससी रेट है, तो जो भी आपके मन में सवाल है कमेंट कीजिए, आपको जरूर सब्सक्राइब आपको हेल्प किया जाएगा। अभी कोई के मन में आपको सवाल है तो आपको कमेंट जरूर कीजिए, आपको हेल्प भी किया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।